अस्सलाम वालेकुम। वही दिन है, वही कॉफी का टेबल है। ओए होए नाफिया तेरी तो, ये देख हम सुबह में रात का बचा हुआ खाना खाते हैं। That's the best kind of thing. ये मेरी माँ के जमाने से है। तो मेरी अम्मी अगर हमें बिस्तरा को लेगा ना, वो तो उसी वक्त तक करीब हो जाओ। हाँ, मेरी अम्मी क्या करती थी, जब अंडे वंडे से हमारा दिल भर जाता था क्योंकि हमें तरह तरह के नाश्ते मिलते थे, तो वो तवे के ऊपर रात का सालन तड़का लगा देती थी और फिर हम सब किचन में ही बैठ जाते थे जमीन पे, क्योंकि अम्मी का किचन काफी बड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लव यू। और हम खाते थे, वही मैंने बच्चों को भी किया। बच्चों के लिए मैं सब कुछ बना लेती थी, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे करती थी कि इनको मैं ये वाला सिस्टम का, लेकिन मैं तवे पे नहीं डालती क्योंकि तवा जरा अनसेफ होता है ना। लेकिन मैं ऐसे खिला देती हूँ। तो मुझे ये रात का बचा हुआ खाना ब्रेड के साथ और रात की बची हुई रोटी को ऐसे तवे पे करो, दलीदार मिर्च और दलीदार मिर्च की, दलीदार मिर्च की हम कहते हैं चिली फ्लेक्स को, चिली फ्लेक्स उस पे डाल दो और खा लो। चिली फ्लेक्स ऑन एवरीथिंग, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, ये मेरी फेवरेट है। बहुत शुक्रिया। वो ठीक है, वो ठीक है। मामा पक्का हाँ। यूसुफ पूरा जेंटलमैन है, कम ही है यूसुफ। ओके, डू इट हियर एज वेल हाँ। ओके, मेरा यूसुफ, यूसुफ डू इट हियर हाँ। माशाल्लाह मेरा हर ग्रैंड चाइल्ड द बेस्ट है, पर यूसुफ इज सच अ जेंटलमैन। ये हाफिज बन रहा है। एंड यू वांट टू बी अ डॉक्टर इज इट, लाइक नाफिया? Or what you want to be? He wants to be a Roblox person. No. He's good at maths, Mama. Ye good hai maths mein. Oh, I never computer asked you. What do you want to be? What do you want to? One day he said doctor. Second day he said dentist. What do you want to be? I think you want to be. He haven't said. Oh, kabhi kaise maine decide nahi kiya. He hasn't decided yet. But itna simple aur itna straightforward. And he's very, very clever. Very smart. Very clever and very smart, alhamdulillah. वेरी स्मार्ट। ये जब छोटा था तो हम वरी थे कि ये तो बातें भी नहीं करता, ये रोता रहता है। एनसाइक्लोपीडिया, ही जस्ट नोस फैक्ट्स। हर चीज ये गूगल है हमारे घर का, कुछ भी बता दो कहता है दि 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 ये। आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन यू, ओके? गो। बस सब दिल के टुकड़े हैं। तो जॉइंट फैमिली का के में बच्चे बड़े करने के लिए हमने एक घंटे का ब्लॉग बनाया था, डिलीट कर दिया है। और पर जो दोबारा एक चीज बनाओ ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। पर नाफिया, अल्लाह नाफिया को बहुत लंबी जिंदगी दे। जब जैसे ही मैं नाफिया के दरवाजे से दाखिल होती हूँ तो ये कहेगी वीडियो बनाइए व्लॉग, जैसे कि वो मैनेजर नहीं होता, वो होता है। तो मैं कभी कभी कहती हूँ मेरा दिल नहीं, कहते चलो कोई काम शुरू किया तो उसको पूरा करो। तो ये बेचारी है जो मेरी मीडिया उसको शायद ये इसलिए कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों की तारीफ करके उन माओं को दुखी नहीं करना चाहती हूँ जिनके बच्चे अच्छे नहीं, बस अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी ऐसा ही कर दे। लेकिन मैं ये पैसों के लिए नहीं कह रही है कि पैसों की वजह से कह रही है कि मीडिया से पैसे मिलते, ये इसको पता है कि मीडिया मुझे खुश करता है, मैं मीडिया के लोगों से खुश होती हूँ, इसलिए ये मुझे ना इसमें इन्वॉल्व करती है। मैं इसकी जो दिमागी हालत है वो जानती हूँ, ये मुझे इन्वॉल्व करती है कि मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ। जैसे कि मुझे नींद नहीं आएगी तो क्योंकि लाइव चली जाओ, लाइव चली, कमन लाइव लग गए, कमन लोगों के साथ बातें करते हैं, खुद इसकी जॉब होगी और सारी रात मेरे साथ जागेगी। बॉयलर का भी आपको किस्सा सुनाऊ, उसमें भी बॉयलर में भी एक वो है। नहीं 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 सुनाऊंगी मामा, प्लीज। आपको पता है मामा, 5,000 pound देने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कर रही थी कंजूसी के मारे में। मैंने कहा खान पापा आएगा तो करेगा, मैंने नहीं देने इतने पैसे। मेरी वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मेरे सारी बच्चियों ने, पांचों ने माशाल्लाह मेरे लिए ये ईजी कर दिया। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, मैं आप यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जब आंखें खोलती हूँ तो मेरे बैंक में पैसे होते हैं। पैसे कहाँ से आए होते हैं? मेरे बच्चों की तरफ से आए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनको बार बार कहती हूँ मैं गरीब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर्टियाँ हैं, मेरी चीज़ें हैं, बिजनेस मैंने बंद कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर समी के साथ पार्टनरशिप है बिजनेस में, मेरी इसी तरह 2-3 बिजनेस में पार्टनरशिप है। तो मैंने कहा टैक्स पेयर हूँ, बस ना करो ऐसे ना करो, लेकिन ये नहीं मानते।
एनीवे बात हो रही थी कैसे बड़े करें जॉइंट फैमिली में. आई फॉरगॉट माय वेरी गुड पॉइंट्स करना. तुमने जो पॉइंट्स दिए थे मुझे याद है. तुमने कहा था कि एक कंपेयर ना करो. तुमने कहा था कि जो फैमिली के बच्चे उनसे कंपेयर ना करो. आपने ये एक कहा था कि लोगों के सामने डांटो नहीं. एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट व्हाट नाफिया सेड दैट. तो नाफिया पहले अपने पॉइंट शुरू करेगी और फिर बीच में मैं चलांग मारूंगी. ये नाफिया क्योंकि नाफिया जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई है ना, यानी इसका बचपन तो जॉइंट फैमिली में हुआ है. पर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने बच्चों को सेव रखा है हमेशा जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम से. तो नाफिया देयर्स ऑलवेज विद जॉइंट फैमिली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन विद सो इफ यू लिविंग विद योर इन-लॉज यू हैव टू डोंट मेक एज इफ दो इन वन हाउस यू आर सेपरेटेड बट द सेम टाइम एक्सप्लेन टू यू व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट. Discuss it with your parents, you know, mother-in-laws or father-in-law. There's boundaries. You need to set boundaries. But at the same time, you have to understand that is all about ittifaq, you know, right? Mm-hmm. It's all the fact that you're a joint family, you're lucky. Because your kids are going to grow up in a big, massive family with so much ronak and so much like happiness. And they'll have immense memories. And yeah, everyone has, you know, they want their own privacy and stuff like that. Privacy, I understand. But that's what I'm saying. That in a joint family, everyone should agree on privacy, you know. There are difficulties, though. It is difficult. And I think when it becomes difficult, you know. Yeah, what we said was in a joint family, the kids are forgotten. Yeah. That's the main thing. वो अपने गमों में बस मिक्स होते हैं कि सास ने ये कहा उसने ये कहा बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं. वो ना करो. नंबर वन पॉइंट ये है कि बच्चों को निगलेक्ट ना करो. ये नहीं कि तुम अपनी सास देवरानी नंदों के चक्कर में बैठ के ना अपने बच्चों को निगलेक्ट करो. क्योंकि मैंने बहुत देखे है. मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने हमेशा हम कल उसकी बात कर रहे हैं. Yeah. That if your daughter-in-law decides to stay with you, she's doing a massive thing. Yeah, Islam mein bhi nahi hai aur kahin bhi nahi hai. It's nowhere. There's nowhere. I, look, me and mum, right? Even as daughter and mother, Bilkul. We get on each other's nerves at times, but... Still we got a difference. However, one thing with mum. If she stays here, she knows the look. This she puts boundaries on. Bilkul. Even though we tell her, Mama, you do what you want. This is your house. But she always says, even when we went on Ses Rosa, me and Mama, yeah, we did, a long time ago, where we went, and there was one, the person who was given, the khula and all that stuff, he would say one thing, that you guys are here in Ses Rosa, just take care of one thing, boundaries, and respect people's... Privacy and items. She even said, don't touch someone janimaz. Yeah, without Nafia. उस दिन नाफिया मुझे कह रही थी कि तुम मुझसे हर चीज का पूछती क्यों. बुरका पड़ा हुआ था नाफिया के घर. मैं कहा नाफिया मैं टर्की जा रही हूँ इंशाल्लाह, तो हो सकता है मैं टर्की से ऐसे जल्दी से अगर पापा मेरे साथ हुए तो मैं उम्रे के लिए भी चली जाऊंगी. दिमाग में मेरे था. मैं कहा नाफिया मैं ये बुरका ले लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो नाफिया एक 5 मिनट के लिए तो ऐसे बैठी रही. जब नाफिया को गुस्सा था ये कुछ बोलती नहीं, ऐसे हो जाती. मैंने कहा नाफिया कहती तुम मुझसे पूछती हो, कितनी शर्म की बात है. मैंने कहा नाफिया ये बात नहीं है बच्चे, इस बुरके पे मैंने नमाज पढ़नी है, इस बुरके पे मैंने पहनना है, हिजाब की तरह पहनना है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम किसी का जानमाज भी लो तो वो भी पूछ के लिया करो, नहीं तो तुम्हारी नमाज फासिक हो जाएगी. तो जब भी आप हो घर में तो हम जॉइंट फैमिली का एडवांटेज ले लेते हैं. हम जॉइंट फैमिली में कहते हैं ये फैमिली है, ये नहीं. जॉइंट फैमिली में भी कुछ होते हैं चीजें जिनकी बाउंड्रीज होती है, जिनको तुमने अलग करना होता है. इसी तरह बच्चे भी इस जॉइंट फैमिली में आते हैं. And but at the same time, I don't agree with if you share a fridge together and you label the food. Yeah.
ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम ना करो, लेकिन जो तुम्हारा फूड खा रहे वो करे, वो पूछ के करे कि ये पड़ा हुआ है। Exactly. लेकिन तुम लेबल ना करो। Everyone should know their roles. Yeah. You know, you all should be kind to one another. क्योंकि मेरे घर स्टूडेंट्स ज्यादा टेनेंट है, तो जब मैं जाती थी तो 5 स्टूडेंट उस घर में। अब तो खैर मैं नहीं जाती हूँ, पहले मैं बहुत विजिट करती थी क्योंकि घर की हालत ये खराब कर देते थे, तो मैं हर महीने जाती थी रेंट लेने के लिए, घर को भी देखती थी। तो उनका एक ही स्टूडेंट, मैं हमेशा ज़्यादा कोशिश करती थी कि एक ही मज़हब के रहें स्टूडेंट, ताकि इनको problems. खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो, वेजिटेरियन और इसका ना हो। तो उसमें जब था तो 5 स्टूडेंट थे, लड़के थे, 5 के 5 कमरे फुल थे, और उनका किचन एक था, मैंने वो अमेरिकन स्टाइल का फ्रिज रखा हुआ था, उसमें उन 5ों का खाना आता था। बाथरूम भी बस 2 थे, तो बाथरूम में तो उन्होंने लेबल रखा था कि शैम्पू पे फलाना फलाना फलाना। जब मैं फ्रिज पे गई तो मैं देख रही थी फ्रिज से पानी जा रहा था, वैसे तो मैं किसी का फ्रिज नहीं खोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा मैं देख लूँ कि फ्रिज से पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्रांड न्यू फ्रिज था। फ्रिज खोला तो मैं हैरान हो गई कि उसमें जो खाने के डिब्बे भी पड़े हुए थे उस पर लिखा था फलाना नाम, फलाना नाम, फलाना। फिर मैंने कहा स्टूडेंट है बेचारों को लिमिटेड पैसे मिलते, दूध पे भी सब कुछ भी लिखा था। सब आ गए मुझे, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनमें एक अहमद था, अहमद तो सूडानी था लेकिन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था। सूडानी इज अ वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस पीपल, सो नाइस। और उसमें एक इंडियन था, पाकिस्तानी थे, और मेरे ख्याल में एक अफगानी था बाकी। तो मैंने लेकिन कमाल की बात यह कि अफगानी के डिब्बे पे नहीं लिखा हुआ था कुछ भी, उसके डिब्बे पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो जब वो मुझे रेंट देने लगे तो मैंने मजाक में, मैं हमेशा जब बच्चों को समझाती हूँ मजाक में समझाती हूँ, मैंने कहा ए अगर मेरा दिल चाहे कि मैं तुम लोगों के फूड से कुछ खा लूँ तो किसके डिब्बे से खाऊँ, इसमें तो सब नाम लिखे। तो वो थोड़ा शर्मिंदा हो गए, कहते नो बाजी, ये मुझे सब बाजी कहा करते थे, अब मैं सबकी मामा हूँ। तो कहते बाजी ये बात नहीं है, हर किसी का अपना लिमिट का होता है, तो हम स्टूडेंट लोग हैं तो फिर हम अपने अपने खानों पे उस पे नाम लिख लेते हैं। तो मैंने कहा सब मुसलमान हो ना, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा शेयरिंग इज केयरिंग, तो मैंने कहा शेयर किया करो, हो सकता है कि तुम्हारे पास फूड हो और दूसरे के पास ना हो तो उसको खुली इजाज़त दे दो, लेकिन मैंने कहा जो खाने वाला है वो पूछ के खाया करे। तो मैंने कहा तुम लोग, फिर मैंने उनके लिए एक वो बनाया, मैंने कहा तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो 50-50 पाउंड सब। मैंने कहा तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो, कहते हमारा खर्चा 50 पाउंड का है वीक का। तो उसमें बिल सारों के साथ में कर देती थी, तो मैंने कहा 50-50 पाउंड डालो, एक बंदे को एक वीक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, 5 वीक है, 5 बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, एक बंदा पैसे कलेक्ट करे, सामान लेके आए, वो पकाओ, वो खाओ। मैंने कहा सब इकट्ठे करो पैसे, 250 पाउंड है, 250 पाउंड में सारा सामान ले आओ, पकाओ, खाओ अच्छी तरीके से बगैर किसी ओजर के। अगर 250 पाउंड में कुछ बचता है वो 5ों में तकसीम कर लो या अगली वीक के लिए ट्रांसफर कर लो। यकीन करो उसके बाद वो इतने खुश हुए थे, बरकत हो गया ना। मैंने कहा देख लो, कभी कभी ऐसा होगा कि किसी का खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। वो उनमें जो अफगानी का कहते हैं बाजी, इसीलिए मैं अपने खाने के ऊपर नहीं करता कि मैं कहता हूँ सदका है, खाए मेरे भाई जितना भी खाते हैं। फिर वो चारों कहते हैं, लेकिन अफगानी को कहते हैं कि सॉरी अफगानी नहीं कहना चाहिए, अफगान कहना चाहिए, क्योंकि अफगान को अफगानी कहो ये खफा होते हैं, अफगानी रुपए का नाम है ना। तो अफगान वो जो बच्चा था वो कहने लगा कि मैं तो मेरी तरफ से तो इजाज़त है ये मेरा सारा कुछ खा ले। तो वो दूसरे 4 कहने लगे कि नहीं बाजी काम भी करता है साथ, हम काम नहीं करते तो हमारे से लिमिट के पैसे होते हैं। तो लेकिन कहते हैं हम इसकी चीज़ों को टच नहीं करते, इस हमें पता होता है ये खाली डिब्बा उस खाली नाम का डिब्बा इसका है पर हम टच नहीं करते। वो कहते पर मुझे तो मेरी नीयत का सवाब मिल गया ना, मैं तो तुम लोगों को पूरी इजाजत देता हूँ कि मेरे डिब्बे से खाओ जो खाना है। ये अफगान का दिल बड़ा बहुत बड़ा होता है, पठान अफगान का दिल बहुत बड़ा था उसका। लेकिन फिर भी जो बाकी थे उन्होंने वो बाउंड्रीज नहीं तोड़ी, उन्होंने खाया ही नहीं उसका फूड क्योंकि उनको पता था ये इसका है।
तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तुम्हारे बच्चों का खुराक है, कि अगर खुराक उनकी पड़ी हुई है, उनके लिए स्वीट लाते हो, उनके लिए कोई और चीज़ लाते हो ना, तो उसके ऊपर लेबल ना लगाओ कि ये मेरे बच्चों का है, ये सब बच्चों का है। लेकिन जो खाने वाले हैं उनको चाहिए कि बाकी बच्चों का हक ऐसे ना खाए, वो पूछ लिया करे कि मेरे अगला बंदा कभी भी इनकार नहीं करेगा। तो जॉइंट फैमिली में एक पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके आते हो और आप शेयर नहीं करना चाहते तो उसको अपने कमरे तक महदूद रखो, और जब आपके बच्चे खाएं पिएं ओढ़े उस चीज़ को तो वो उस कमरे में मौजूद हो, उस कमरे से बाहर ना जाए। क्योंकि अगर वो ऑनेस्टली राइट, वन ऑफ आवर कजन्स बेसिकली देयर पेरेंट्स यूज्ड टू डू दिस अ लॉट, वेयर दे वुड सेपरेट देयर फूड, दे वुड सेपरेट एंड देन लेटर ऑन एज एडल्ट people used to make fun of them yeah. because they had this weird thing, it's mine, and they used to hide things whilst they're adults, kyunki unke parents ne yehi teach kiya tha ki apni cheez kha. ab hamare ghar mein ye hai, agar ek bacche ne dusre bacche ko cheez nahi di to wo counseling room mein jayega. hamare ghar mein proper counseling hote hai. jaise kal ki baat batao, amaya feeder se juice peene lagi, hareem juice feeder se peene lagi, हमेशा ये जूस फीडर से पीते हैं, आई अभी पीने लगी। हमारा यूसुफ 8 ईयर ओल्ड, यू 8 ईयर ओल्ड, इसी ने यूसुफ कहता है मुझे भी फीडर में दो, इसकी माँ, मैंने कहा दे दो, कहती नहीं गलत डिमांड है, ये इतना बड़ा बच्चा है, एक तो इनके कद भी इतने लंबे हैं, यूसुफ है तो 8 साल का लेकिन कद इसका 5 फुट अभी तक अभी से है, बाप जो इतने लंबे हैं। तो मैंने कहा नाफी सुमैया दे दो, कहती नहीं मम्मा अभी ये इतना लंबा बच्चा फीडर पीता हुआ अच्छा लगेगा। तो यूसुफ ने माइंड किया, यूसुफ कहता है कि खफा हो गया, खफा होकर यूं करके बैठ गया, यूसुफ किसी को कुछ कहता नहीं, वो खफा होके बस यूं बैठ जाता है। ये मेरा है बच्चे, मेरा पाकिस्तान का फोन है, दिस इज द वन दैट आई गॉट, दे सेंट मी, दिस इज अमेजिंग फोन, ये एक फोन है इनफिक्स कहते हैं, इनफिनिटी, इनफिक्स, इनफिक्स कहते हैं पाकिस्तान में। मैंने 20,000 रुपए लिया था पाकिस्तान की सिम के लिए। एक बात में दूसरी बात आ जाती है, यकीन करे 5 दिनों में इसकी बैटरी जाया नहीं होती, जिसने भी लेना है वो ये ले ले, इसकी मेमोरी खत्म नहीं होती। I'll give you a link, okay? इसकी ये नाफी की लिंक से ले लिया, कुछ भी ये बातों में बात आ गई। हालांकि मेरे पास 3 iPhone है, बच्चों ने गिफ्ट दिए थे। दिस वन पाकिस्तान में एक काम करने वाला था मेरे साथ, सिकंदर उसका नाम था, उसने कहा मामा ये ले लो क्योंकि चैरिटी, इसमें चैरिटी का सिम है, तो इसमें वो सब मैसेजेस आते, इट्स गुड नाफिया बिकॉज द बैटरी लास्ट 4-5 days, ये 4 दिन हो गया मैंने चार्ज किया है और अभी तक इस पे मेमोरी इसकी खत्म नहीं होती। इसके ऐप्स इतने अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, और फोटो क्वालिटी तो इतनी जबरदस्त है, आपको क्या बताऊं, द फोटो क्वालिटी। सो 20,000 रुपए इज अ बार्गेन, लेकिन क्योंकि 60 quid ऑन टिकटॉक, ओ माय गॉड, सो 60 quid मैंने 20,000 रुपए का लिया है, ये वेरी सिमिलर प्राइस, ये बल्कि टिकटॉक पे सस्ता है। तो नाफिया लिंक देगी, फिर ले लेना, नाफिया का टिकटॉक फॉलो कर लो, डॉक नाफिया से, डॉक नाफिया खान, डॉक नाफिया खान, DOC नाफिया खान। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा बात हो रही थी, मैं बात फिर भूल गई, जॉइंट फैमिली, यू सेड अबाउट लेबलिंग फूड, दैट लेबल। तो अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हो तो सब अव्वल बात तो ये याद रखें कि अगर अपने बच्चों को कुछ खिलाते हैं और आप नहीं शेयर करना चाहते तो उसको अलग से रखें, और अगर अच्छा ही होगा कि अपने बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग वाली बात समझाएं, क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना वो इतने बदनीयत बड़े होंगे कि आप, मेरे बच्चे क्यों सखी हैं, क्योंकि मैंने उनको हमेशा ये सिखाया था कि बच्चे जो खाते हो अपने कजन्स के साथ शेयर करो, जो पहनते हो अपने कजन के साथ शेयर करो, इसलिए मेरे बच्चों का दिल इतना बड़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बात बहुत जरूरी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट, all of our partners are like that as well, yeah, alhamdulillah, they're like that as oh well. My god, miss, meri bahu Deena ko hi le le, usme ye ek quality hai ki usne kabhi materialistic cheezon ke sath love nahi kiya, she give you everything. Siddiq will still say, oh, Siddiq gives it, nahi wo bhi bahut sakhi hai, yeah, but if lekin agar usko chahiye hoga na wo kahega ye mujhe chahiye, par nahi,
इसको नहीं, नॉट डीना, डीना को बस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम पे गई है. डीना, अमीरा, इकबाल, साद, रिजवान, रिजवान तो सबसे ज्यादा है, वो तो हातम ताई का सगा बेटा है. तो एक ये बात, दूसरी ये बात जो नाफिया ने पॉइंट की और मैंने कहा वाकई ये सही है, कभी भी अपने बच्चों को अपने घर में जॉइंट फैमिली में बच्चों के साथ कंपेयर ना करो, इससे तुम्हारे बच्चों की जिंदगी really good point as well. Carry on, mama. इससे तुम्हारे बच्चों की जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ेगा और जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो यही कहेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको बता रही थी कि एक ये पॉइंट और एक अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करो. क्योंकि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा ससुराल के लांजों में पड़ी रही थी, अब वो सब बच्चे उसकी जो है अब वो शिकायत करते हैं कि हमारी माँ ने ये नहीं. हालांकि मैं हमेशा नाफिया को कहती हूँ शी वॉज द बेस्ट मदर, मैंने उसको देखा है, शी वॉज द बेस्ट मदर, लेकिन उसके बच्चे उस जवानी में आके उससे दूर हो गए. वजह ये कि वो हमेशा ससुराल वालों को प्रायोरिटी देती थी और बच्चों को निगलेक्ट करती थी कि खैर बच्चे हैं मेरे, खैर अब वही बच्चे उसका साथ. In joint families as well. Forget about joint families. Even when like all the families get together with the kids. Yeah. But we're talking about specifically joint families. Yeah. Two kids fight. Or brother or siblings or whatever. A lot of our family, we've had a lot of issues with that. We haven't had issues. Mum, every time the two kids would fight, so say Malia and Arusa. Yeah. Maliha or meri banji. Yeah. Mom took Arusa's side. Malia hit. So Arusa, well, they were really young. Arusa slapped Malia over some toy. Malia slapped her back. Yeah. And then, They were not even they kids. They were like 10 oh, and, is it? 10 and 12. Yeah. So my aunties, she's an amazing woman. However, she is obsessed with her children. Yeah. Obsessed. If somebody looks at her, the children Mary like that, Ben. She just like, you know, she loves all of us. But when it comes to her kids, she's very, very, you know, obsessive. So then my mum could see that my auntie was a little bit upset. So my mum told Malia off, even though Arusa was the first one who did it. Now, I'm asking you advice. What do you think if you're living in a joint family? Two kids from different siblings or whatever it is, cousins fight. What should the elders do? मैंने क्या किया था, मैं थोड़ी सी रिंग रोड पे आऊंगी. नाफी कहती मुख्तसर बात करो ना, रिंग रोड पे क्यों आती हो, तो मैं रिंग रोड पे आके आपको बताऊंगी कि मैंने उस वक्त ये एक्ट किया था कि मैं बजाय इसके के क्योंकि उस वक्त ना अमलिया के साथ ज्यादती हुई, वो अमेरिका में थी, मेरी बांजी के साथ इनकी लड़ाई होगी, मेरी बहन बीच में कूद पड़ी, मेरी बहन ने इट वाज इन अमेरिका. मैंने ये बात डिस्कस ही नहीं की, आज आ गई बात तो करी. तो वो मलीहा अमेरिका में थी, मेरी बहन के, हालांकि मेरी बहन मेरे बच्चों पे मरती है, वो बहुत प्यार करती है मेरे बच्चों से, मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मुझे पता है. लेकिन अपने बच्चे अपने होते हैं, और अरुसे थोड़ी सी क्वाइट सी भी थी, मलिया थोड़ी तेज थी. तो मलिया और अरुसे की जब लड़ाई हुई, अरुसे ने पहले मलिया को थप्पड़ मारा और फिर मलिया ने तो कस के थप्पड़ मारा, मलिया का तो हाथ भी भारी है. वो जब मेरी बहन ने देखा, पता नहीं मेरी बहन उन दिनों थोड़ी जहनी परेशान भी थी, तो मैं आई कांट ब्लेम हर. मेरी बहन ने जब वो देखा तो खफा हो गई और उसी वक्त अपने खावन को कहा कि मलिया को जाके तो उसके मामू के घर छोड़ा. तो मलिया कहती है कि मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी. समी और सिद्दीक भी था, समी सिद्दीक ने मुझे फोन किया कि आंटी ने मेरे बहनोई को कहा कि अभी इसी वक्त इसको मेरे बड़े भाई के घर छोड़ के आओ, तो इसको मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी. तो मुझे सिद्दीक और समी ने कहा कि, हालांकि सिद्दीक और समी अपनी खाला को बहुत प्यार करते हैं, अभी तक उनका प्यार चेंज नहीं हुआ, वो अपनी खाला पे मरते हैं, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. तो हालांकि वो सिर्फ 2 साल मुझसे छोटी है, पर मैं उसको बच्चों की जैसा ट्रीट करती हूँ. तो सिद्दीक और समी ने फ़ोन किया और पहली दफ़ा खाला के खिलाफ हुए कि रात के 9 बजे वो मलिहा को वहां छोड़ने गए. तो मेरा दिल यूं यूं हो रहा है. तो yeah, and one thing as well,
my auntie, I think she was under a lot of antipsychotics. She goes to my brothers, you don't go, let Malia go. And then Siddiq got really upset. He turned around and said, auntie, I'm not leaving my sister, I'm going to go with her. तो मैंने ये उस दिन उस रात की ये बात मैंने दिल में ये छुपा के रखी थी. मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं की और ना बच्चों के दरमियान में ये जब कभी ब्रिंक करते हैं इस बात को तो इनको पता है मैं इस बात से हर्ट होती हूँ, तो ये भी नहीं करते आज ना कुछ मुंह से निकलो. तो वो जब मलिहा 12 साल की थी, अरूसा 10 साल की थी, तो उसने सिद्दीक और समी ने मुझे कहा कि आंटी बार बार कह रही थी कि तुम दोनों ना जाओ, सिर्फ मलिहा जाए. लेकिन कहती हमने कहा कि नहीं आंटी, वो हमारी बहन है. तो फिर वो वहाँ पे गई, फिर मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन किया और मेरी भाभी ने कहा कि यानी कि मेरी बहन का कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम फिक्र ना करो बच्चे. मेरी भाभी वैसे मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है. वो मेरी खान पापा की कज़न है, हमेशा वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल करती है. जिसकी जो अच्छी बात होगी मैं कहूँगी. हालाँकि उसके भाई ने हम पे मुकदमे किए हैं और हमें बहुत तंग कर रहा है, बल्कि हमारी भाभियों के साथ, मेरी भाभियों के साथ हमें बहुत तंग कर रहा है. लेकिन मेरी भाभी में एक क्वालिटी है कि वो खिदमत में द बेस्ट है और वो वैल्यू जानती है कि फैमिली वैल्यू क्या है. अब नहीं जानती, पहले जानती थी. तो वो उस वक्त मैंने ये नहीं किया कि मैं अपनी बहन को कहूँ कि तुमने गलत एक्ट किया. और मुझे पता था अगर मैं बहन को ये कहती तो मेरी बहन जाती, लेके भी आती, उनको प्यार भी करती और सॉरी भी कह देती. मुझे इतना पता है. लेकिन मैंने उस वक्त अपनी बहन को बजाय कहने के मैंने सिद्दीक और समी को डांटा और मलिहा को भी डांटा. इन अदर 10 मिनट दिस व्लॉग विल बी एंडेड. सो बुलेट पॉइंट, डोंट रेज योर वॉइस टू योर चिल्ड्रन फ्रंट ऑफ अदर चिल्ड्रन व्हेन यू इन जॉइंट फैमिली. डोंट लेबल योर फूड, एंड इफ यू लेबल योर फूड इस बिट बैड. एंड अनदर थिंग, अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करो जॉइंट फैमिली में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है. अपने बच्चों को हम निगलेक्ट कर देते हैं उसके लिए. मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है. इस ब्लॉग को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू भी कर लेंगे, इंशाल्लाह दोबारा भी इसका एक पार्ट कर देंगे. लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करो, अपने बच्चों को वैल्यू ऑफ फैमिली सिखाओ, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली में ही हम रहते हैं तो फिर वो वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो जाती है. बच्चे भी कहते हैं हर वक्त यही सेम फेस देखने पड़ते हैं. दूसरे बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करो दूसरे के बच्चों के साथ, क्योंकि ये जो कंपेरिज्म होता है ये गलत होता है. और अगर आपका देवर जेठ जिठानी का तो वो सिस्टर की स्टोरी, सॉरी वो सुना दूँ. तो वो जब उसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को, मैंने मलिहा को डांटा, सब कुछ किया, लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रही हूँ. मुझे डांटना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज तक मेरी बेटी कहती है कि यू टेक साइड ऑफ योर सिस्टर व्हाइल आई वाज इन ट्रबल, आई वाज इन टीयर्स, एंड मैं खफा थी, मैं ब्रोकन थी, पर तुमने उस वक्त अपनी बहन का साथ लिया. तो कंक्लूजन ये है कि कभी भी अपने बच्चों को, ये नहीं कि बच्चों को बिगाड़ दो, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी दो. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खफा है, रो रहा है, तो ये मैंने गलत किया था और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये गलत ना करो. अगर आपके जैसे मेरी बहन अपने बेटी के लिए स्टैंड की, शी डिड अ गुड जॉब, सो आई सपोज टू टेक स्टैंड फॉर माई चाइल्ड एंड आई सपोज टू से टू माई सिस्टर व्हाई यू डिड दैट. या आई थिंक एडल्ट्स शुड हैव द कन्वर्सेशन, नॉट टेल द किड्स ऑफ. यस, तो क्योंकि वो अभी तक मलिहा कहती है कि मेरे लिए तुम क्यों नहीं खड़ी हुई. दूसरी बात, मैं हमेशा, मेरे यतीम भतीजे हैं, मैं विश वगैरह, मैं उनको अपने सीने पर रखती थी और अगर मलिहा मेरे पीछे आ जाती तो मैं कहती थी मलिहा उसके. मलिहा आज तक कहती है और सिद्दीक भी आज तक कहते हैं कि तुम हमेशा अपने भतीजों को अपने साथ रख लेती थी और हमें खुश कर लेती थी कि कोई बात नहीं, तुम तो घर में भी मेरे साथ. ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे शिकायत, ये भी ऐसी है. तो इसको मैं इसको डांटती हूँ कि नहीं, अपने बच्चों को पुश ना करो, क्योंकि हम कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए अपने बच्चों को निगलेक्ट कर लेते हैं और यही तुम्हारे लिए फसाद बन जाते हैं. आज तक सिद्दीक और मलिहा और सुमैया तीनों कहते हैं
कि हमेशा हमारी माँ अपने भतीजों को देख के तो उनके पीछे पड़ जाती थी, हालांकि वो यतीम थे, लेकिन अब मैं निगलेक्ट करती हूँ कि नहीं, वो मेरा और मेरे बच्चों का टाइम, तब मैं उनको भी लव करती लेकिन अपने बच्चों को ये ना। सो बस यही कुछ पॉइंट अभी फोर्स किया, आप लोग कमेंट में बताना कि हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करके और भी पॉइंट पोस्ट कर देंगे। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट के बेस पे हम एक और व्लॉग बनाएंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।